नहीं यार, आई फील वेदीप, मेरा जो ओपिनियन है इस चीज़ पे, बिकमिंग अ कोच, आई थिंक अभी फिलहाल मैं बहुत यंग हूँ यार। मैं भी काफ़ी यंग हूँ और मैं पबजी खेल भी रहा हूँ। कितने कितने टाइम से खेल रहा हूँ मैं, 2 साल से खेल रहा हूँ। एंड नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं अभी भी क्वालिफाई करता हूँ एज अ कोच, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है कोच के लिए। अभी भी तुम बन तो जाओगे, ठीक है, तुम कोच बन जाओगे, बट एक्सपीरियंस खेलने के एक टाइम के बाद ही आता है। अभी भी तुम जितने भी कोच को देखोगे ना आज की डेट पे, उन लोग का भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कभी कोच बनूंगा तो मेरे पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कॉन्फिडेंटली मैं बोल सकूँ कि हाँ, मैं वो टीम को बेटर कुछ प्रोवाइड कर पाऊंगा अपने साइड से। अभी फिलहाल मैं उस चीज़ में कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो मैं नहीं बनना चाहता। एंड सेकेंडली, आई एम यंग डूड, आई एम जस्ट 21, एंड 21 की एज में कोच बनना, नहीं। कोच वो लोग बनते हैं जिनका, समझ लो, प्रोफेशनल करियर जिनका वो हो जाता है, रिटायर हो जाता है जब प्रोफेशनल करियर से, तब वो कोचिंग में घुसते हैं। अभी फिलहाल मेरा प्रोफेशनल करियर स्टार्ट हुआ है यार। अभी तो अभी कोच बन गया तो खेलेगा कौन? ये तो मेरी उम्र है खेलने की, एक टाइम के बाद कोच बना जाता है। अभी हाँ, आई नो ऑर्गेनाइजेशंस आर पेइंग एंड एवरीथिंग, यू गेटिंग एक्सपोजर एज वेल, बट नो, मेरे लिए बहुत डिफरेंट है कोच का मीनिंग। मैं अगर कोच बनूंगा तो मैं डेफिनेटली तभी जब मैं बहुत कॉन्फिडेंट होऊंगा वो चीज़ करने में। ऑल्सो कोच कोच बनने में बहुत टाइम लगता है यार। तुम एक 4 लोग की 5 लोग की टीम को संभाल रहे हो, समझ रहे हो, उन्हें स्टडी करने में बहुत टाइम लगता है। एंड अगर मैं कोच बन गया तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा जो आज की डेट में मैं कर रहा हूँ, स्ट्रीमिंग, गेमिंग, सब कुछ। मेरे को सब छोड़ना पड़ेगा अपने साइड से, क्योंकि तुम कोई भी कोच को अगर तुम देख, अनाउंसमेंट यही था कि देखो पब्लिक अनाउंसमेंट यही था कि अभी लास्ट थोड़े नहीं, आज लाइव का नहीं है। लास्ट थोड़े दिनों में बहुत बहुत सारा बीटी हुआ है, ये सब कंट्रोवर्सीज एंड ऑल, जो भी मैं जिसमें इन्वॉल्व था, जिसके लिए इतना हेट कुछ मिला मेरे को, तो मैं देखा कि फालतू फालतू में मैं बड़बड़ कर देने का कभी भी, तो अभी मैं वही देख रहा है कि आगे से ऐसा नहीं होगा, कुछ ज़्यादा कुछ बोलेगा नहीं मैं, मतलब अभी फोकस रहेगा सिर्फ गेम पे, अभी जो भी बोलेंगे गेम से बोलेंगे अपन, कुछ और नहीं बोलेंगे अपन। तो व्हाट वाज योर फर्स्ट सैलरी इन पबजी ऑर्ग? थैंक यू फॉर द पीछे फोर्टी से गाड़ी आई रुपीज अरविंद कुमार। अपने नीचे रिकॉर्ड स्क्वाड। अगर मैं पहली सैलरी बता दूंगा तो सब रिवील हो जाएगा। कुछ जा इनके ऊपर, वो फुल से नाम है रे बस। अरे चलो बता तो देता मार हूँ। दिया ना, अब तो उधर कोई नहीं है। दिस इज शॉर्ट साइड एक्चुअली। मेरी पहली सैलरी सामने, थी सामने, वो देख बहुत दूर सामने। रुक जा रुक जा रुक जा। अबे बताओ कि नहीं बताओ मेरी पहली सैलरी क्या थी पबजी में? भाई एक कोड सोच के आए थे बट इधर यहाँ पे अपार्टमेंट। यस यस, अमन रेडी जे। तो भाई मेरा पहला सैलरी था 50,000। जो Make sure to like the stream. मुझे ऑर्ग से मिला था वो था 50,000 रुपीस पर मंथ। अब बता दिया, अब इसके बारे में क्वेश्चन मत पूछना, ठीक है? बाय बाय। Enemy. Enemy down. उंगली से ऊपर की ओर इशारा, बस की जगह है फ्लगा द साले। 100 रुपीज की SC मिस कर दी। और ये भाई आदित्य, तू अगर ऐसे गालियां देगा ना प्लीज, मैं तेरे से बजट नहीं पढ़ रहा हूं। SC, DHE, JUNGA। चलो यार भाई, अगर आदित्य इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट कि समटाइम्स आई माइट मिस योर सुपर चैट, तो यार मैं क्या बोलूं यार ब्रो। कोई बात नहीं ब्रो, चलेगा। तू अगर ऐसे, तू अगर गालियां वाले ऐसे देगा तो भाई ये मुझे पसंद नहीं आदित्य, प्लीज। अभी तू बोलना नहीं, मजाक कर रहा है, कॉज मजाक नहीं। ये मुझे पसंद नहीं आता भाई। देख, आई ट्राई टू रीड एज मेनी सुपर चैट एज आई कैन, बट अगर गलती से मुझसे मिस हो जा रहा है तो होता है कभी कभी, इंसान ही हूँ, ठीक है, भगवान नहीं हूँ जो मेरे 10 आंख लगे, 2 आंख इधर, 1 आंख चैट में, 1 आंख सुपर चैट में। अगर तेरे को ऐसा दिक्कत है तो भाई आदित्य हाथ जोड़ के सॉरी, तू रिफंड करवा ले भाई। थैंक यू सो मच भाई। यार ये गालियां मत दे पर तू ऐसे करके, ठीक है? ये गालियां मुझे पसंद नहीं, ऐसे प्लीज ऐसे मत करो, ये मत करो, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ऐसे मत करो, ठीक है? आई ट्राई टू रीड जितना होता है, बट अगर
तुम लोगों मतलब मैं पढ़ता भी बता देखो तुम लोगों को मैं दिखा दूंगी कि इधर व्यूअर एक्टिविटी का जगह जो होता है जहां पे जाके पीछे मैं पढ़ सकता हूँ वो यूट्यूब ने हग रखा है, तो मैं जाके पीछे का पढ़ भी नहीं सकता हूँ, ये मैं रोज बोल बोल के थक चुका हूँ। अगर उसके बाद भी तू नहीं समझ रहा आदित्य तो यार मैं हाथ जोड़ के माफी मांग सकता हूँ, मैं इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, आई एम सो सॉरी अबाउट इट, बट तू यार यार ये तू मत करे, बस कल भी तू सेम चीज कर रहा था, कल भी तू ऐसी गालियां दे रहा था, आज भी यार लोग ऐसी गालियां दोगे तो यार गाइस पता है मेरे को लगता है कि मुझे ये जो टेक्स्ट टू स्पीच है ना सुपर चैट का उसका मुझे थोड़ा सा कम कर लेना चाहिए, बिकॉज यार मैं सुनता हूँ, मैं द रीजन आई हैव टेक्स्ट टू स्पीच इज बिकॉज कि अगर मुझसे कोई सुपर चैट मिस हो जाए तो वो टेक्स्ट टू स्पीच उसको पढ़ देगा ताकि तुम्हारा जो सुपर चैट है वो सब लोग सुन लेंगे, वो सुपर चैट ऐसा फैल जाएगा, ऐसा मेरे को कान में आ जाएगा, मैं इसलिए उसको रखा है, मैं इसलिए नहीं रखा है, बहुत लोग पे वो होता भी नहीं है, लोग के पास रहता भी नहीं टेक्स्ट टू स्पीच, सिर्फ सुपर चैट आता है गायब हो जाता है, मैंने वो रखा है सो दैट आई कैन हियर तुम लोग क्या बोल रहे हो। अभी क्या होता है हमेशा मैं सुन रहा हूँ बट मैं बिजी हूँ, मैंने सुन लिया बट मैं शायद से रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने सुन लिया मेरे कान में वो पहुंच गया मेरे दिमाग में पहुंच चुका है बट मेरा दिमाग इधर घूम रहा है तो मैं उसको रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर फिर भी तुम लोगों यार मतलब कंप्लेंस है तो यार बॉयज आई एम सो सॉरी अबाउट इट यार, आई थिंक आई हैव टू डू सम टेक्स्ट टू स्पीच का चेंजेस अभी आफ्टर नाउ।